वर्ष का 28वां इतवार, पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5 और संख्या 14 से 17। नामन ने एलियस के पास लौटकर प्रभु को स्वीकार किया। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इसराइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलियस ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। नामन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ, तिमथी के नाम सुन पुरुष का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 8 से 13 तक। यदि हम दृढ़ रहें तो हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्त तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करो। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवित भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करें तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुँह कर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया की सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गई। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु हरेक के ऊपर दया करते हुए हरेक को अपनी प्रज्ञा बुद्धि विवेक से भर दे, विश्वास में बढ़ने दे, जिससे सब लोग प्रभु के कृपा में आगे बढ़ते जाए, प्रभु के साथ साथ चले। इस कृपा के लिए आइए हम एक साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। सोनू नामक का एक लड़का 6 दिन से खो गया है, वो नहीं मिल रहा है। वो लड़का जहां कहीं भी है, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखें और वापस उस लड़का मिल जाए अपने माता पिता को। इस कृपा के लिए यहाँ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। दीपक संतोष प्रीति ललन को प्रभु की आशीष और कृपा मिले। प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान प्रदान करे। हर प्रकार की बुरी आदतों से, हर प्रकार की बुराई से प्रभु बचाए, जिसे ये जिम्मेदार इंसान बेटे बेटियों बनकर समाज में जी सके। हर प्रकार की रोग से बीमारी से प्रभु हरे को बचाए। इस कृपा के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। मंत्री
मालती देवी के पेट में दर्द है और वो इसलिए कि वो गर्भवती है, उनके गर्भ में शिशु पल रहा है। आज उस बहन के लिए प्रार्थना करें कि उस बहन को प्रभु की आस और कृपा मिले, जिससे दोनों माँ और बच्चे सुरक्षित रह सके और हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की दुर्घटना से प्रभु उन्हें बचाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। अपने अपने निवेदन और प्रभु के चरणों में रखें। हे परम पिता ईश्वर, आज तूने अपने वचनों के द्वारा चंगाई प्राप्त करने के बारे में अवगत कराया और जो कोई भी आपके पास आए बीमारों से छुटकारा मिला, चाहे कोढ़ी हो, अंधे हो, कई प्रकार के रोगियों से पीड़ित मानव को तूने चंगा किया। हे परम पिता, आज हम बसुपुर के सोनू के पापा को तेरे सम्मुख लाते हैं इस पवित्र मिसा बलिदान के समय। प्रभु तू उनको स्पर्श कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर, साथ ही साथ उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन्हें ढाढ़स दे, जीने की शक्ति दे। अब जानते हैं उनके परिवार के दुख तकलीफों को हम तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, और साथ ही साथ ऐसे कई परिवार हैं जिनके रोजगार कमाने वाले ही बीमार हैं, कई तरह से बीमारों से ग्रसित हैं प्रभु और तेरे सम्मुख आते हैं। उन सभी को अपने हाथ, अपने चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। Thank you.
हे सर्वशक्तिमान प्रतिष्ठित प्रार्थना करते हैं यहाँ पर एकत्र हर एक माताएं भाई बहनों के लिए। प्रवेश युवा, जिस प्रकार से तूने इन सारे दस कोड़ी से बीमार लोगों को तूने चंगा किया और उनमें से केवल एक ही आपके पास आया, तुझे धन्यवाद दिया। प्रवेश इस समाज में भी रहकर हमें कई प्रकार की बीमारियां पकड़ती हैं, हम भी किसी न किसी तरह से परेशानियां झेलते हैं, पीड़ाएं सहते हैं। तुझ पर विश्वास करने से भी लोगों को पीड़ाएं पहुंचती हैं, तेरे पास आने आते देख लोगों को भी तकलीफ होती है और ऐसे कई सारी चीजें हमारे परिवेश में गुजरती रहती है। प्रभु, इन सारी परिवेश में भी तू हम सबों को यहाँ तेरे पास बुलाता है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हुए हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वे समाज में तेरे नाम पर तिरस्कृत किए जाए, गरीबी की वजह से वे तिरस्कृत किए जाए, बीमारी की वजह से वे तिरस्कृत किए जाए, प्रभु ऐसे सारी माताएं भाई बहनों बच्चे बच्चियों को अपने आशीष और कृपा से भर देना, ताकि वे हमेशा तेरे नाम पर स्वस्थ रहें और समाज में परिवार में सारे लोगों के साथ रह करके तेरे नाम की घोषणा हमेशा आगे करते रहें और तेरी उपस्थिति में तेरे विश्वास में हमेशा आगे बढ़ते रहें और तेरे नाम का भजन जय जयकार करते रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं हमारे इस भारत देश के लिए, सारे राजनेताओं के लिए, सारे धर्म गुरुओं के लिए। प्रभु इन सबों को अपने प्रज्ञा विवेक से भर दी, जो हर एक मानव जाति को एक साथ जुड़े रहने की जो मिसाल समूह बना करके, मिसाल सोच विचार को हमारे बीच में प्रकट करके सबों को एक साथ बने रहने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। प्रभु ऐसे कई सारे लोग हैं जो मानव जाति के हित के लिए कार्य करते हैं प्रभु जी, तो उसे जुड़े रहने के लिए, समाज से जुड़े रहने के लिए, और कई प्रकार से ऐसी आपदाएं होती हैं, ऐसी विपत्तियां होती हैं, ऐसे सारे चीजों को भी सुलझाने के लिए हमारे साथ रहते हैं प्रभु। उन सारे नेताओं को, उन सभी धर्म गुरुओं को प्रज्ञा विवेक से भर दी, ताकि गरीब तबके के लोगों को, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, इन सारे लोगों की देखभाल करने के लिए एक केंद्र बिंदु बन पाए, माध्यम बन पाए। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने सारे निवेदनों को, मतलबों को फिर से प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमारे सारे निवेदनों को, मतलबों को हमारी होंठ खुलने से पहले ही प्रभु जानते और स्वीकार करते हैं। बस हम गहराई से विश्वास करना है कि हमने जो मांगा है वो हमें मिलेगा, प्रभु सब कुछ को पूर्ण करेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस के द्वारा, आमीन। चढ़ावा पृष्ठ संख्या 36। करि प्रभु जी भेंट स्वीकार, भक्त सब द्वारे खड़े, करि प्रभु जी भेंट स्वीकार, मन बना रहे हो, मन बना रहे हो, हमें
मेहनत मई गई मसीहा के दिख खाते बेकल भैले आप जी आप
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ जो हमारी इन माताएं बहनें भाई लोग पैसों के रूप में, अनाज के रूप में, फल फूल के रूप में जो अपने परिश्रम का फल चढ़ाया है, प्रभु हर एक को आशीष प्रदान कर। इनके वो मुट्ठी भर की चावल के समान जो उस विधवा सरकता की विधवा के जीवन में तूने चमत्कार किया था, उसी प्रकार इनके भंडार को कभी खाली होने ना दे। इन सभी उपहारों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जो प्रार्थनाएं हमने तुझे चढ़ाया है। भक्ति के इन कार्य द्वारा हमें स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा, प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यही प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए है, इसलिए स्वर्ग दूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पृष्ठ संख्या 22। पावन पावन अति पावन, पावन पावन अति पावन, ये सब भक्ति के साथ घुटने टेके। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्रोत से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए, जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तेरी आराधना यीशु मेरी राह है, सदा तेरी वंदना यीशु मेरी राह। विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गयलन, क्रिस्त जी गयलन, क्रिस्त मर गयलन, क्रिस्त जी गयलन, क्रिस्त महिमा में आइए पिछड़वा में, क्रिस्त महिमा में आइए पिछड़वा में, क्रिस्त मर गयलन, क्रिस्त जी गयलन, क्रिस्त मर गयलन, इसलिए प्रभु हम कृष्ण के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम कृष्ण के शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्रात्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशाएं पर लोग सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि कर डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। ये हम एक साथ रीते सगा गुणगान करें। इन्हीं प्रभु कृष्ण के द्वारा, इन्हीं के साथ में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, सारा गौरव तथा सम्मान युगायुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना रखना, बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा प्रदान करती। युगानी जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। कृष्ण किशन पूजा बलि, ईश्वर का मेमना पूजा बलि, दया करी दया करी दया करी, ईश्वर का मेमना पूजा बलि, ईश्वर का मेमना पूजा बलि, दया करी मन में स्वामी बोली, ईश्वर का मेमना पूजा बलि, ईश्वर का मेमना पूजा बलि। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, क्या मैं आ रहे एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चली हो जाए। इसके शरीर वर्तन जीवन पर इंट्रक्शन संख्या 47। यीशु जी हमरा दिल में आव, 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 बखले दिल मेरे प्यास लबे में, बखले हमें दिल में
प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन के समय रोटी को तोड़ा और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ले लो ये खाओ, ये मेरा शरीर है, उसी प्रकार दाखरस की कटोरा को लेकर कहा, ये ले लो पियो, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। वही रोटी, वही दाखरस इस पवित्र वेदी के सम्मुख अनुष्ठान किया गया। प्रभु इसको अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मसीह के पवित्र शरीर तथा लहू में हम सबको दान दे दिया। हमने उसको ग्रहण किया। बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं कर पाए, फिर भी विश्वास कीजिए, प्रभु हर एक के दिल में आया है। आपने प्रभु के वचन रूपी उस भोजन को खाया है, वचन रूपी उस रोटी आपके दिल में आया है, मन में आया है, उसको अपने जीवन में धारण करें। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु तू रोज मेरा दिल खटखटाता है, रोज मेरा दिल खटखटाता हुए ये कहता है कि मैं द्वार के सामने खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोल देता है, मैं उसके यहाँ आता हूँ और उसके साथ भोजन करता हूँ और वो मेरे साथ। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए, इस महान वरदान के लिए, इस जीवनदायक रोटी के लिए, जीवनदायक भोजन के लिए, जीवनदायक पवित्र वचन के लिए हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमें आशीष प्रदान कर, हमें छू ले पिता। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्रता भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है,
वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। अभी जो इस दौरान जो हम प्रार्थना किए वो क्या प्रार्थना था, क्या प्रार्थना था बोलिए, क्योंकि कोई कोई आज मैं नए नए चेहरा देख रहा हूं इसलिए समझना जरूरी है। बाकी लोग बोलने को कोशिश कीजिए, इस अभी तक जो प्रार्थना चल रही थी इसको क्या कहते हैं। भैया उधर पीछे, हाँ मिस्सा बलिदान की प्रार्थना था, इधर बोलिए दीदी आप बोलिए मिस्सा बलिदान। प्रमिला दीदी बोलो क्या प्रार्थना था। हाँ मिस्सा बलिदान, इसको ये बोलते हैं मिस्सा बलिदान की प्रार्थना, मिस्सा बलिदान की प्रार्थना, जिस बलिदान में प्रभु, जिस ये बलिदान उस अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठते हैं, उनको समझाते हैं। मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी लोग, मैं अब तुम्हारे साथ बराबर नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे मुझे यहूदी लोग पकड़ेंगे और वे लोग पापियों के हाथ में समर्पित कर देंगे, वे लोग मुझे मार डालेंगे, उसके बाद सूली पर चढ़ा देंगे। ये सब बात समझाते हुए प्रभु अंतिम भोजन किए थे और अंतिम भोजन करते समय प्रभु ने रोटी खाते समय खाने से पहले उसको तोड़ा, क्या किया, रोटी को तोड़ा। रोटी को तोड़ने के बाद दूसरों को देते हैं, ये ले लो खाओ, ये मेरा शरीर है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं 51 और 52 में कि जो मेरा मांस खाता है उससे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, जो मेरा रक्त पीता है उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा, अभी तक जो प्रार्थना था इसको बोलते हैं मिस्सा बलिदान, यानी यीशु मसीह के अंतिम भोजन का यादगारी वाला प्रार्थना। यही सबसे बड़ी प्रार्थना, जिस प्रार्थना के इर्द गिर्द सारा प्रार्थना अवलंबित है, यही है मिस्सा बलिदान, जिस मिस्सा बलिदान के इर्द गिर्द हर प्रकार की प्रार्थना, रोजरी प्रार्थना, गांव में प्रार्थना, घर में प्रार्थना, आश्रम में प्रार्थना, हर जगह में प्रार्थना, लेकिन सबसे क्या बोलते हैं केंद्र बिंदु हमारे लिए कौन सा है, सब लोग बोलिए केंद्र बिंदु क्या है, प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु कौन सा है। हाँ ये बात हमेशा याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखिए। और अभी जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र शरीर, प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र शरीर यानी वो रोटी, जो रोटी प्रभु यीशु मसीह मिस्सा बलिदान के दौरान अपने शरीर में बदलते हैं और जिसको हम मंजूसा में, जिसको हम मंजूसा में संदूक में रखते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जो कि आराधना के योग्य है, पूजा के योग्य है, वो मूर्ति सब नहीं है। मूर्तिवास हम यादगारी के लिए रखे हैं कि हमारे बीच में माता मरियम है, संत योसेफ है, मूर्ति की पूजा नहीं, लेकिन जो पेटी है, जो संदूक है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के उस रोटी को रखा जाता है,
जिसको हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं कि ये प्रभु का शरीर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, उस रोटी की आराधना के समय कई सारी जगहों में चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलता है। रोटी से खून बहने लगता है और जो रोटी हम ग्रहण करते हैं, बहुत सारे बहनों के होंठ में खून बहने लगा, यानी वो साधारण रोटी नहीं, वो सचमुच प्रभु के मांस है। हालेलुया, हालेलुया। सड़ा गला मांस नहीं, जिंदा जीवित मांस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस रहस्य को बहुत लोगों ने समाज में, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि हम प्रभु के शरीर कैसे खाएंगे। आप लोग कभी खून पिए हैं? कितने लोग खून पिए हैं? मैं पिया हूं, हाथ उठाओ। कितने लोग खून पिए हैं? कोई नहीं। सबके लिए ताली बजाओ। मैं बोलते बोलते देख रहा था, एक बहन मैं खून पिया बोला तो ऐसे की, मतलब अरे बाप रे क्या गंदी बात है। बहुत लोगों ने यीशु मसीह को भी ऐसे ही किया। प्रभु ने कहा जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा रक्त नहीं पियोगे, तुम जीवित नहीं रहोगे। क्या प्रभु मांस काट काट के खिलाया? हाँ, वही रोटी का माध्यम लिया, रोटी का माध्यम लिया है, और वही रोटी तोड़कर कहते हैं कि ये मेरा मांस खाओ, तुम्हें जीवन मिलेगा। मैं आपको पूछा कि कितने लोग खून पिए, कोई बोले नहीं। यारे भाई और बहन, हम सब अपने माता के खून पी के जिंदा है, अपने माता के खून पी के आए हैं इस धरती में। बच्चे को जन्म देते हुए कभी कोई देखा है? मां लोग जो जन्म दिए हैं वो लोग देखे होंगे, मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मैं जितने भाई बहन जन्म लिए देखा हूं, किस प्रकार मां जन्म देती है, किस प्रकार मां जन्म देती है, क्या क्या सब होता है उनके नाभि, बच्चे के नाभि में एक क्या लगा रहता है, क्या नाड़ बोलते, क्या नाक, अच्छा नाड़ लगे रहता है, ठीक है। वो नाड़ प्यारे भाई और बहनों खून का स्रोत है, खान पान का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। मां के सारा खून ये बच्चा ले लेता है। मां के शरीर में खून नहीं है, मां भी खत्म, बच्चा भी खत्म। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसको काट दो, खून तेजी से बहने लगता है, तेजी से बहने लगता है, वो बच्चा चिल्लाता है बचाओ बचाओ बोल के, बचाओ बोल के नहीं, चिल्ला के रोता है, इसका मतलब बचाओ। और वही बच्चा मां के गर्भ में जब था, मां का खून पी रहा था, वही बच्चा जब जन्म लेता है मां का दूध पीता है, दूध के रूप में खून पीता है। इसलिए मैंने कहा कि कितने लोग खून पिए हैं, तो आप लोग कोई खून नहीं पिया, केवल मैं ही पिया। बहुत सारे लोग ये बात को नहीं समझे, इसलिए ये बकवास करता है, बोलते छोड़ छोड़ के गए यीशु मसीह को, छोड़ छोड़ के गए। संत यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 6:59 में ये बारे, इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो अभी हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं परम प्रसाद की आराधना प्रार्थना। क्या बोलेंगे? इस प्रार्थना में बहुत बड़ी बड़ी चिन्ह और चमत्कार करती मिलता है, दिखता है, बशर्ते हमारा विश्वास होना चाहिए, मजबूत होकर, एकाग्र होकर उसके सामने प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए सब लोग तैयार हो जाइए।